हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज होगा रावण दहन और जाएंगे हम देखने, और साथ ही बनाएंगे देसी वेज बिरयानी, जो कि बचे हुए चावल से हम जनरली बना लिया करते हैं घर पे, जब चावल बच जाती है हमारे घर पे। तो चलिए पहले तैयार होके चलते हैं शाम को घूमने। ये देखिए हम तैयार हो गए और जा रहे हैं रावण दहन देखने। टाइम हो रहा है 5:30 और टाइमिंग है 6 बजे का रावण दहन देखने का। दूध वाले भैया ने बोला था कि आप थोड़ा जल्दी चले जाना, वरना आपको जगह भी नहीं मिलेगी रावण दहन देखने के लिए। तो क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए रावण दहन को। तो ये हम निकल गए, ये देखिए पहुंच गए स्टेडियम, और बहुत भीड़ थी। इस तरह से ये बाउंड्री टाइप का बना हुआ था बांस वगैरह से, ताकि लोग और बच्चे अंदर ना आ सके। और बहुत धूमधाम से राम जी का मंदिर आया था, राम जी बन के तो कोई नहीं आया था, राम जी का मंदिर आया था। और ये देखिए जो मुख्य अतिथि थे ना, उन्होंने पहले मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाया था, फिर जलाया था रावण को। इसी दिन ही भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। रावण के 10 सिर थे और वो युद्ध में प्रभु श्री राम से हारा था, इसलिए इस दिन को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आज के दिन जगह जगह पर रावण का दहन किया जाता है, और ये देखिए कितनी भीड़ है। और अब रावण दहन हो रहा है। इस क्षण को ना आप महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ होगा। और देखिए रावण दहन हो गया और हम निकल पड़े। इतनी भीड़ थी कि लगभग हमें यहाँ से निकलने में ना लगभग आधा पौने घंटा तो लग गया था, जबकि हम बहुत आगे थे। ये देखिए भीड़, पता ही नहीं चल रहा था इतने लोग कहाँ से आ गए। ये बगल का स्टेडियम है, कहीं दूर हम नहीं गए थे। फिर हम जब निकले वहाँ से तो हमने गोलगप्पा खाया और थोड़ी दूर आके खाए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। और उसके बाद हम आ गए घर पे और बची हुई थी दोपहर की चावल, तो फटाफट से हमने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और उसमें हमने ये मूंगफली को फ्राई कर लिया। जनरली मूंगफली मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी। आप फ्राई करके देखना, मिला के देखना अपने, अगर आप बनाते हो ना देसी वेज बिरयानी जैसे, तो उसमें आप डालना मूंगफली, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और लेकिन लास्ट में आप उसको मिलाना, चलो मैं वो तो आगे बताऊँगी। और ये देखिए मैंने उसको फ्राई करके अलग रख लिया और फिर उसी में डाला और तेल, और उसमें डाला थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकते ही मैंने डाला उसमें 2 हरी मिर्च जिसको मैंने काट दिया था बीच से, और फिर उसमें डालेंगे हम प्याज, कटी हुई प्याज। हम मैंने 2 प्याज को और 2 आलू को छील के काट लिया था, ताकि उसमें डालने में टेस्ट आ जाए। अलग अलग क्या बनाना एक साथ, और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी बनाते होंगे, जो बनाते होंगे वो तो कमेंट करें, जो नहीं बनाते होंगे वो एक बार ट्राई करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दे, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन लोग डिसलाइक करते हैं। और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे मेरे इस वीडियो को, और मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस तरह से उसमें हमने प्याज डाल के थोड़ा देर फ्राई किया, हल्का सा लाल किया, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसमें डाल दिया हमने कटे हुए आलू की भुंजिया, और भुंजिया क्या भुंजिया के टाइप से जो काटा था उसको डाल दिया, और थोड़ी देर उसको भी फ्राई करने के बाद डाला उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अगर इसी वक्त ज़्यादा डालेंगे में ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर चावल के साथ इसको मिक्स भी करेंगे ना, तो जब ये मुंह में आएगा ना तो बस उसी जगह पे नमक ज़्यादा लगेगा। तो इसमें बस इसी के हिसाब से नमक डालेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा डालना होगा तो चावल डालने के बाद डाल सकते हैं, वरना आपको नहीं डालना तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, नमक कम भी रख सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए इतना चावल बचा हुआ था। फिर जब अच्छे से फ्राई हो गया आलू और प्याज, तो मैंने डाल दिया उसमें बचे हुए चावल, और बचे हुए चावल डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से 2 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूना, ताकि उसके अंदर तक ये भुंजिया वगैरह ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और बची हुई थी मेरे पास गोभी की भुंजिया दोपहर वाली ही, आपके पास भी अगर सब्जी वगैरह बची हो तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, हर चीज़ को अलग अलग से गर्म करो, और बहुत ही टेस्टी लगती भी है। बच्चे भी खा लेते हैं इसी बहाने, बच्चों को तो बहुत पसंद है। मेरे बच्चे तो इसको येल्लो चावल के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं येल्लो चावल बना दो मम्मा। और ये देखिए बची हुई भुंजिया थी, और ये नीचे का था, थोड़ा तेल भी लगा था, फिर मैंने उसमें प्लेट में चावल डाल के इस तरह से उसको मिला लिया, और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई थी। यकीन मानिए आप ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा। और मूंगफली तो इसके टेस्ट में 4 चांद लगा देता है, मूंगफली आप मिला के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये मूंगफली डालने के बाद। और इस तरह से फिर मैंने भुंजिया डालने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 मिनट इसको पकाया था, अच्छे से भूना था। इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाती है जितने चावल बचेंगे ना भूनने के बाद, वो क्वांटिटी, क्योंकि थोड़ा चावल सूखता है तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है।
और इस तरह से मैंने इसका वेज बिरयानी बना के तैयार किया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और टाइम भी मतलब ज़्यादा नहीं लगा और कुछ एक्स्ट्रा बनाना भी नहीं पड़ा, बस ये चावल बचे हुए थे। और ये देखिए, अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसी वक्त अगर आपके पास धनिया पत्ता भी हो हरा, तो आप उसको भी मतलब उसके पत्ते को भी तोड़ के इसमें गार्निश कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद, और गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद हम सबको परोसेंगे। ये देखिए, बच्चों के लिए निकालना शुरू कर दिया मैंने, बच्चों को पसंद है, छोटे बच्चों को, मतलब मेरा छोटा वाला जो बेटा है उस खासकर उसको ये येलो चावल पसंद है, ऐसे तो नहीं खाता लेकिन ये खाता है। ये देखिए, हम सब लेके बैठ गए खाने के लिए और फिर हम चले गए रामलीला में। बगल में ही जस्ट बगल में, दो घर के जस्ट बगल में हो रहा था रामलीला, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहीं पर। और यहाँ पर था, यहाँ पर भी आज रावण का वध करने वाले थे श्री राम जी। ये देखिए, युद्ध चल रहा है और मतलब बहुत ही आज सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं तो रोज़ उतना नहीं जाती, थोड़ी देर की जाती हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना रोज़ जा रहे थे, रोज़ बिल्कुल 8 बजे, बिल्कुल टाइमिंग जो बंधा था ना। और सोना भी लग रहा है मतलब कि अब आज ख़त्म हो जाएगा, कल से बच्चे कहाँ जाएंगे। कल से हम भी एक राउंड घूमते थे तो 10-5 मिनट देखते थे या कभी आधे घंटे, आज तो ज़्यादा ही टाइम देख लिया। ये देखिए, युद्ध हो ही रहा है राम जी और इस रावण में, तो अब युद्ध भी ख़त्म होने वाला है। मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया है, तो अब होगा राम जी का आगमन, वध हो गया रावण जी का और राम जी अयोध्या लौट रहे। ये देखिए, दीपक सबने जलाया है, हमने भी जलाया था, मेरे बच्चे ने भी जलाया था, तो राम जी आ रहे हैं, राम जी का आगमन है। और सच में इस वक्त लग रहा था क्या कि सच में राम जी आ रहे हैं, सच में उनका आगमन है। बहुत ही मतलब अंदर से जो है ना, ये फीलिंग आ रही थी कि सच में राम जी ही आ रहे हैं अंदर से, मतलब सब में यही फीलिंग्स थी अंदर से, सब लोग बिल्कुल भगवान ही मान रहे थे इनको। तो ये देखिए, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उनके पीछे सीता जी हैं और शायद उनके पीछे हनुमान जी हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना आप लोग ध्यान रखें, सबको हैप्पी दशहरा। आज के बाद दशहरा ख़त्म है और सच में घर में भी बहुत सूना लग रहा है कि दुर्गा माता की आरती नहीं होगी, दुर्गा माँ का पूजा नहीं होगा, हम मंदिर नहीं जाएंगे, रामलीला नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है हमें, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।